न्यूज़ देखिए, मेरे फैमिली ने सब ने मुझे कितना बड़ा सरप्राइज दिया है। मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही है, सब लगा है, केक लाया है मेरे हस्बैंड ने, ड्रेस भी लाया है। मैं बहुत बहुत खुश हो गई, मतलब बहुत बहुत खुश हूँ। तो चलिए, सब बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी लो तो केक कटिंग कर लेके थोड़ा सा रेडी हो चैनल सिप्राजॉल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो सामने से मुझे देख रहे हो, जो दूर से मुझे देख रहे हो, सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? आज कुछ स्पेशल डे है। तो क्या है, आप लोग वीडियो देखते देखते समझ गए होंगे, आज है मेरा बर्थडे। तो बर्थडे स्पेशल में देखिए, मैंने कल रात को 12 बजे केक कटिंग कर लिया, जो मेरे हस्बैंड, मेरे बेटियाँ, मेरे भाई भाभी सब ने मुझे सरप्राइज दिया। और ये जो ड्रेस है, ये मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है। तो आज मेरी मायके से दिया हुआ ड्रेस पहनी हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो ये ड्रेस कैसा लग रहा है और मुझ पर सूट कर रहा है क्या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के दिन क्या स्पेशल होने वाला है? बहुत कुछ नहीं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, जो डेली रूटीन वो तो चलता ही रहेगा। केक कटिंग कल कर लिया है और आज देखते आज क्या क्या करेंगे। तो चलिए, इसके लिए आपको रहना होगा मेरे साथ, देखना होगा मेरा पूरा वीडियो। तो देखते रहिए मैं आगे क्या क्या करती हूँ। तो देखिए, मैं एकदम रेडी होके बाहर गई थी और कुछ लाने, ये सब लाने गई थी। ये नेट, ये गोल्डन कलर का और ये पिंक कलर का, इसका कुछ बना रही हूँ पूजा के लिए स्पेशल। वो तो आपको तभी दिखाऊंगा, अभी बता दूंगी तो आप लोग फिर देखेंगे नहीं तो इंटरेस्टिंग कैसे होगा, है ना? इसलिए इसका कुछ बनाऊंगी। और इसके बाद मैं छोटी को स्कूल से लेने गई थी और लेके आ गई हूँ। तो चलिए फटाफट से लंच बना लेती हूँ। बर्थडे मेरा है, हर साल मैं खुद ही बनाती हूँ और खुद ही खाती हूँ, क्या करूँ फ्रेंड्स। मतलब लड़कियों का ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन इस साल मेरी भाभी है, तो मेरी भाभी और मैं दोनों मिलकर मेरे लिए कुछ स्पेशल बना रहे। तो चलिए देखते लंच में हम लोग क्या बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बना रही है मेरी भाभी मेरे लिए लंच, वो भी प्रॉन्स मलाई करी। आज उनके हाथ से मेरा लंच कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं और लंच में क्या क्या बनता है। फ्रेंड्स मेरे साथ रहिएगा मेरे बर्थडे में, आप लोग सब मुझे विश करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और आप लोगों के प्यार तो मुझे बहुत मिलता है, और भी प्यार चाहिए तो फ्रेंड्स मैं और आगे बढ़ूंगी। तो देखिए, मेरी भाभी मेरे लिए आज प्रॉन्स मलाई करी बना लिए। तो देखते हैं कैसे बना रहे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिटेल्स में आपको कभी शेयर करूंगी, लेकिन आज पूरा रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज ही मेरा बर्थडे है। तो मैं दिन भर में मैंने अपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, क्या 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 सारे आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो देखते रहना और मेरे साथ रहना। देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े प्रॉन्स है आज मेरा हस्बैंड लाए मेरे लिए, वो भी बहुत प्यार से, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो देखिए, बर्थडे के दिन ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे लिए कुछ करे, कुछ स्पेशल करे, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ तो बहुत होते हैं। कुछ गिफ्ट मिल जाए वो भी, मतलब बहुत 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 खुशी होती है ना।
तो इसीलिए देखिए, तो हर साल मैं तो अकेले ही बनाती हूँ और खुद का, तो इस साल मेरी भाई भाभी है तो मेरी मायके की कमी बिल्कुल पूरी हो गई। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि सब मिलके मुझे, मतलब मेरे केक कटिंग बर्थडे सेलिब्रेट किया, मिडनाइट मेरा केक कटिंग हुआ। और फिर देखिए कुछ स्पेशल बन रहे हैं लंच में, तो मैं आपको बोल के बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। हम लोग तो है प्योर बंगाली, तो नॉन वेज के बिना हमारा कुछ भी नहीं होता। जैसे वेजिटेरियन खाना भी हमें बहुत पसंद है, लेकिन अगर कुछ पार्टी मतलब कुछ भी हम सेलिब्रेट कर रहे हो तो नॉन वेज बनता ही बनता है। तो देखिए प्रॉन्स मलाई करी है बिल्कुल रेडी। ओ देखने में इतना मस्त आया और खुशबू इतनी अच्छी रही, मुझे तो अभी खाने का मन कर रहा है। तो देखिए बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखिए अभी बन रहा है मटन, तो मटन बना रही हूँ मैं और मेरी भाभी दोनों मिलके ही बना रही हूँ आज सब कुछ। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं मटन। और मटन जो सिंपल रेसिपी होता है बंगाली लोगों का, ऑनियन डालते हैं उसके ऊपर, अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटर पेस्ट, हल्दी मिर्ची पाउडर, मसाला तैयार करके मटन डालो, फटाफट से बन जाते हैं मटन। लेकिन देखिए आज कैसे बना रही हूँ मैं मटन। देखिए फ्रेंड्स मटन बन रहा है और परवल फ्राई हो गया है, राइस भी बन गया है, प्रॉन्स भी बन चुका है और पापड़ बन रहा है, पापड़ बनाने का है। और देखिए मटन है बिल्कुल रेडी और साइड में आपने देखा वहाँ पे मेरी भाभी बना रही है मेरे लिए टमाटर की चटनी। तो मटन का कलर कितना सुंदर है ना। और ये है देखिए चटनी, चटनी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए लंच कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए परवल फ्राई, इसमें है मटन करी और यह टमाटर की चटनी, और प्रॉन सर्व करना भी बाकी है जो प्लेटिंग कर रही है मेरी भाभी। लंच करने के बाद हम लोग बना रहे यहाँ पे क्या मालपुए, क्योंकि उसके बाद आपसे बात करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरे दोनों बच्चे का स्कूल ट्यूशन है। तो मेरी भाभी ने कहा कि आज आपके लिए कुछ स्वीट डिश बनाया जाए, तो वो बना रही है आज स्पेशल मालपुआ, वो भी केला और आटा। ये एक नया रेसिपी है, जैसे सूजी और मैदे का होता है और ये ऐसा केला और आटे से भी बनता है, ये बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मेरी भाभी बना रही है मेरे लिए मालपुआ। तो आज मतलब बहुत कुछ दिन भर में मेरे लिए देखिए बहुत कुछ बन रहा है, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ और अपने आप को स्पेशल फील कर रही हूँ, जैसे लग रहा है कि मैं मतलब बहुत स्पेशल हूँ। तो मेरे लिए इतना कुछ बन रहा है, देखिए मालपुए बिल्कुल रेडी है और इसकी स्मेल जो आ रही है खुशबू, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है ना गर्मा गर्म मालपुए। तो चलिए गर्मा गर्म मालपुए खा लेते हैं और उसके बाद भी हमें कहीं जाना है क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन घर में किया है तो कैसे करें ना, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो देखिए बाहर आ गए शॉपिंग करने, तो शॉपिंग करना किसे ना पसंद है ना। आप
आपको कहीं भी लेके जाओ, कितना भी घुमाओ, लेकिन शॉपिंग करने के लिए लेके जाओ तो बहुत खुश हो जाते हैं ना। तो फ्रेंड्स, कौन कौन मेरे साथ अग्री करते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो मुझे बोलती है कि तू शॉपिंग क्वीन है, क्योंकि मैं कितनी भी बीमार हो शॉपिंग पे जाऊँ ना मैं ठीक हो जाती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये जो साड़ी का दुकान है इसका नाम है महारानी साड़ीज। ये पुणे रेडी मार्केट होलसेल मार्केट में आता है। ये बहुत बड़ा साड़ी का शॉप है, इनका लहंगे का भी अलग से है। तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती है। अगर आपको चाहिए तो आप पुणे रविवारपेट मार्केट से ले सकते हो इसे, अगर आप पुणे पे हो। नहीं हो तो पुणे पे कभी आए तो पुणे रविवारपेट मार्केट में महारानी साड़ीज में ज़रूर लेना, क्योंकि इनकी कलेक्शन बहुत सुंदर है। और ये जो कुर्तीज का दुकान है ये ठीक इसके बाजू में ही है, ये आनंद मॉल बिल्डिंग में है। इसके नीचे इसका दुकान का नाम है शिव शक्ति। और इनके पास 350 से लेके आपको जितने तक चाहिए वैसे कुर्ती है, जितना आपको जैसे चाहिए, मतलब बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन से, बहुत सुंदर सुंदर। मुझे तो सारे कुर्तीज पसंद आ रहे थे और मैंने वहाँ से बहुत कुछ लिया है। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया इसका वीडियो अलग से एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो इनका जो लॉन्ग कुर्तीज का कलेक्शन है, लॉन्ग गाउन है, जो डेली यूज़ के लिए आप कुर्ती यूज़ करते हो या पार्टी वेयर, मतलब सारे मतलब इनके पास अवेलेबल है। और देखिए दुकान का नाम है शिव शक्ति, तो बहुत बहुत सुंदर है। अगर आपको कुर्ती लेना है तो प्लीज़ ये दुकान पे ज़रूर आना, आपको रीजनेबल प्राइस में अच्छे अच्छे कुर्ती ज़रूर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से बहुत कुछ लिया, देखिए ये जो अभी एक दिखाएंगे ना वाइट वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैंने क्या क्या लिया है ये आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ये वाइट वाला, पिंक वाला, सारे मुझे ऐसे लग रहा था कि सारे उठा के लेके आऊँ। तो चलिए कर लेते हैं शॉपिंग और उसके बाद आगे बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या क्या करते हैं आपके साथ करूंगी शेयर। तो रहना होगा मेरे साथ, देखना होगा मेरा वीडियो, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है चिकन पकौड़ा। आप लोग सोच रहे हैं ये शॉपिंग करते करते कहाँ आ गई, तो मैं घर पे नहीं हूँ फ्रेंड्स, आज वो मैं मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे, तो वो आज मुझे दे रहे हैं पार्टी, वो भी उनके ऑफिस में, तो डिनर हम वहीं पे करेंगे। तो देखिए डिनर में बन रहा है चिकन पकौड़ा और भी बहुत कुछ आइटम है, लेकिन आज मैं नहीं बना रही हूँ, आज मेरे हस्बैंड खुद अपने हाथों से मुझे बना के खिला रहे। तो देखिए मेरे लिए ये स्पेशल लेग पीस का फ्राई किया गया है, देखिए चिकन लॉलीपॉप बनाया गया है वो भी मेरे लिए स्पेशल। और ये यहाँ पे बन रहा है मटन करी बनाने के लिए मसाला, और यहाँ पे बन रहा है चिकन, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं, कोई कोई मटन नहीं खाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए अलग से चिकन करी बन रहा है और बाकी सबके लिए बनेगा मटन करी। तो चिकन करी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनके लड़के लोगों ने बनाया, लेकिन मटन करी मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से मेरे लिए स्पेशल बनाए हैं। तो देखिए आज मेरा बर्थडे कैसे है ना, दिन भर में मेरी भाभी ने मुझे बना के खिलाया और रात में डिनर में मेरे हस्बैंड बना रहे मेरे लिए मटन करी, तो है ना मैं बहुत स्पेशल। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज दिन भर, मतलब मेरे बर्थडे बहुत बहुत स्पेशल हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बन गया है मटन करी रेडी, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं डिनर, क्योंकि अभी बज रहे रात के 12:30। तो चलिए हम फटाफट से डिनर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर।